कश्यप भाई, कश्यप भाई, सबको जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वो आपको व्हाट्सएप में मैंने भेजा है, उसमें आया था ये आपने भेजा था वो पीडीएफ थ्योरी ऑफ कर्मा में, उसमें एक वर्ड आया है समुदत्त, समुदत्त वो इंग्लिश में है, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपके देख आपको मिल गया? एक मिनट, हाँ ये लिखा है समुदत्त by expanding the size and shape of the soul, आत्मा हाँ प्रदेश केवली भगवान made the duration and quantity of Vedaniya नाम and Gotra कर्मा equal to that of आयुष कर्मा, ये थोड़ा समझा दीजिए। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद, ये मैं मेरी हिंदी में है ना आज? हिंदी 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 हाँ या मुझे जो समझा है वो मैं बताता हूँ कि केवल ज्ञान हो चुका है और अब जो घाती कर्म बाकी है यानी वेदनिया नाम गोत्र और आयुष्य ये चार अघाती कर्म है वो रह गए हैं, अभी उनको ज्ञान में दिखाई देता है कि क्या बताया है ज्ञान में दिखाई वेदनीय नाम और गोत्र कर्म बहुत ज्यादा है और आयुष्य कर्म से अभी यानी आयुष्य कर्म छोटा है और वे केवल ज्ञान हो चुका है तो वो एक स्वाभाविक एक उनको ये समय आता है क्योंकि पहली बात तो ये है कि केवल ज्ञान होने पर अब वो क्रिया से मुक्त हो गए सभी प्रकार की। कश्यप जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्रिया से मुक्त हो गए लेकिन यहाँ से ये अगर हम पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा कि केवली विज्ञान ने ये सब कर्मों का साइज बढ़ा दिया साइज एंड शेप ऑफ द सोल आत्मा प्रदेश केवली भगवान और ड्यूरेशन क्वांटिटी ऑफ वेदनिया नाम और गोत्र कर्म उनको आयुष्य कर्म की जितना कर दिया आप समझे। ये एक जैसे हम चलते जाते हैं और सामने दीवार देखते हैं तो हम अपने आप स्टॉप हो जाते हैं ना तो ये किसने किया ये अपने आप होता है ये ज्ञान ने काम किया ज्ञान ने हमें जागृत किया लेकिन हम क्या बोलते हैं मैं दीवार देख के रुक गया आप समझे तो मतलब वो ज्ञान जो है अभी वो... इसमें क्या है इसमें क्या बताना चाहते हैं कि ये जो वेदनिया नाम और गोत्र कर्म क्वांटिटी में ज्यादा है और आयुष्य कर्म यानी आयुष्य टूका है कम है तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में नेचुरली एक परिस्थिति आती है कि जिसमें ऐसा होता है जो बताया है ना ये जो बताया कि केवली भगवान मेड द ड्यूरेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेदनीय कर्म आप समझे हाँ समझ गया तो उन्होंने ऐसा रिड्यूस कर दिया यानी सो ये एक प्रकार का कर्ता भाव नहीं बताया इस तरह का एडजस्टमेंट हो जाता है उस स्थिति में ऐसा ये एक जागृति का परिणाम है आप समझे जैसे मैंने वो दीवार का एग्जाम्पल दिया ना वो ज्ञान इस तरह से देखता कि ज्ञान से उनको पता चलता है कि भी आयुष्य कर्म तो बहुत टूका है छोटा है
और ये सब हिसाब वेदनीय नाम गोत्र का हिसाब बहुत ज्यादा है तो कैसे होगा, तो बोले ये होता है ऐसा हो जाता है। हाँ ऐसा, और ये प्रोसेस को समुद्र का बताया समुद्र का। वो जो है मतलब वो प्रोसेस क्या होता है कि वो उसका उसका जो है मतलब वो प्रदेश जो है वो बोला कि उसका साइज और शेप बढ़ जाता है। हाँ यानी देखो ये जो बताया है ना साइज एंड शेप ऑफ द सोल, क्योंकि सोल बड़ा हो जाता है साइज में तो उनके यानी आत्मा प्रदेश को बढ़ा दिया तो उनका भुगतान जल्दी हो जाएगा, आप समझे, भुगतान यानी वो जो टाइम लेता है वो भुगतान को पूरा करने के लिए वो अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि प्रदेश बढ़ गए। अच्छा एक्सपांड होने के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहेब जय सच्चिदानंद। केशव आनंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी बुक नंबर 36 36 हाँ 36 हाँ। पानु नंबर 121 तारीख 70/10/73 वडोदरा। नीचे पेज 67 ऑफ 110 ऊपर थी बीजो पेरेग्राफ स्टार्टिंग पॉइंट छे भगवाने कहूं छे कि तारी पोतानी जे क्रिया रिलेटिव मा होय ते तू बीजाने ना बतावीश। One minute. बिगिनिंग सुधी क्या बताया कीधु दादा भगवाने कि भगवाने कहूं छे के तारी पोतानी जे क्रिया रिलेटिव मा होय તે તું બીજાને ના બતાવીશ એ પ્રાકૃત ધર્મ છે। ઓકે એક મિનિટ યસ વન મિનિટ હા ભગવાને કહ્યું છે કે તારી પોતાની જે ક્રિયા રિલેટિવમાં હોય તે તું બીજાને ના બતાવીશ એ પ્રાકૃત ધર્મ છે। બરોબર ભગવાન ભગવાન ક્યાં કહેના ચાહતે હે કે જો ભી ક્રિયા જો તો બહાર કી ક્રિયા કર રહે હો રિલેટિવ કી ક્રિયા કર રહે હો તો દૂસરોં કો બતાને કી જરૂરત નહીં હૈ વો તો આપકો ઇન્ટરનલ સમજના હૈ કે યે બાહ્ય ક્રિયા કિસકી હૈ स्व की है कि पर की है वो आपको इंटरनली समझना है। बाहर किसी को रिलेटिव में बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तो प्राकृत धर्म है प्रकृति का धर्म है उसको आप किसी को क्या बता सकते हैं। पर हरि रीत से क्या है कि जो खुद के अंदर क्या हो रहा है खुद के अंदर क्या हो रहा है वो हमको खुद जो पता चलता है कि मैं सेपरेट हूँ ये मेरे अंदर जो भाव हुआ वो क्या हुआ बाहर का हुआ या इनर का वो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। वो हमको अंदर से खुद को समझना है कि ये प्रकृति प्राकृतिक धर्म है मेरा स्वयं का धर्म नहीं है। मेरा स्वयं धर्म तो क्या है ज्ञाता द्रष्टा और परमानंदी। परमानंद तारी प्रकृति ने माफक आयु अने बीजानी प्रकृति ने माफक ना आवे बरोबर है। हाँ। जो प्रकृति जो किसी की प्रकृति आपको माफिक हुआ वो आपको अच्छा लगा आपका एडजस्ट हुआ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है। वही सेम प्रकृति दूसरे को भी एडजस्ट हो सकती है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो प्राकृत धर्म है वो किसी का कैसे स्वभाव होगा किसी का कैसे स्वभाव होगा किसी का स्वभाव आपको सेट होगा किसी का नहीं भी होगा। तो ये प्राकृतिक धर्म है प्राकृतिक धर्म में किसी को भी अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपको उस सब प्राकृत धर्म में बाहर से देखने का है कि इसका धर्म ऐसा है इसकी प्रकृति ऐसी माफिक नहीं आती है इसकी प्रकृति ऐसी है
छूटा होके देखने का है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आ केटलाक मन ने निरोध करवा जप तप योग वगैरह करे छे के करावे छे ते बद्दी कसरत कसरत ज छे, ये अपने आप को निर्बल बनाने के लिए, अपने आप को कुछ सब वीकनेस में से बाहर निकालने के लिए सब जप तप करते हैं, योग करते हैं और दूसरों को सब योग करवाते हैं, ये सब क्या है? कसरत बाजी है। ये इससे इससे कुछ वो उसका फल ऐसा नहीं होता है कि भाई ये वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ये खाली कसरत करता है। कसरत करेगा तो क्या उसका बॉडी मजबूत होगा, बाह्य सुख मिलेगा पर इंटरनल सुख कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। ते कर तो हो ते, ते तेने अनुकूल हो तेनी प्रकृति ने माफक हो, यानी मतलब क्या कि जो तो जो आपको कहते हैं जो आपको कुछ एडजस्ट होता है वो प्रकृति को माफक होगा तो आपको कर सकोगे, नहीं माफिक होगा तो नहीं भी होगा। तो प्रकृति प्राकृतिक धर्म सब जो भी है वो बाह्य है, बाहर से है, वो किसी को एडजस्ट भी होगा किसी को नहीं भी एडजस्ट होगा, पर जो इंटरनल है वो इंटरनल तो हमारे पास खुद ज्ञाता दृष्टा परमानंदी स्वभाव में है, उसमें तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि मेरे अंदर परिणति कैसे चल रही है, मेरा अंदर किस तरह से चल रहा है। तो इसलिए बाहर का जो भी प्रकृति में है रिलेटिव भाषा में है किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सब इंटरनल। दादा क्या बोलते हैं कि हमारी साइंस क्या है, सब इंटरनल है, अंदर से क्या परिणति हो रही है। बाहर का तो प्राकृतिक स्वभाव सबका अलग अलग है, उसमें उसके अंदर हाथ डालने की जरूरत भी नहीं है, उससे क्या फल मिलने वाला है। बाहर की प्रकृति तो किसी को माफिक भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, उसमें से कुछ भी नहीं है, उसको तो अपने को ज्ञाता दृष्टा परमानंदी में रहने का है और बाहर की प्रकृति है ऐसा है उसके साथ एडजस्ट होके उसका निकाल करने का है। करेक्ट। पर केशवानंद जी से यहाँ दादा भगवान के तू तप कर जप कर साधुपण कर પણ હું જાય નહીં ત્યાં સુધી મુઆ મેલ મીંડું ને માર ચોકડી કશું જ વળે નહીં, એટલે શું મેલ મીંડું કિધર હે યે કિધર હે હા ઓકે નીચે હે ઓકે ઓકે એટલે શું મેલ મીંડું ને માર ચોકડી એટલે શું છે? હા મતલબ ઇધર ઉધર ઉસકો ઝીરો પે લેકે આવો, મતલબ ઝીરો પે લેકે આવો ભાઈ, યે સબ ઝીરો હો ગયા, જો યે જો આપ કર રહે હો त्याग कर तप कर ध्यान कर्म योग कर के साधु पढ़ कर, तो हूं जाए नहीं क्या सुधी मुआ मेल मिंडू, हूं जाए नहीं मतलब अहंकार जब तक गया नहीं, तू चाहे फिर कितनी भी कसरत कर कितनी भी मेहनत कर कितना भी जप तप कर ध्यान कर सब जीरो पे आ जाएगा, सब जीरो पे आ जाएगा। तो उसको चौकड़ी मार ये सब क्या कर रहे हो, कितने भी जप तप करोगे ध्यान करोगे सब कुछ करोगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हूं यानी जो आपको शुद्धात्मा का जब तक पहचान नहीं हुआ, जो विभावजन नहीं हुआ, वो समकी जब तक प्राप्त नहीं हुआ, वो जीरो के बराबर है। मेल मिंडू यानी जीरो पे छोड़ दे, उधर उधर से कुछ एकड़ एक होने वाला नहीं है, कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। हूं को इतना दादा ने इम्पोर्टेंस दिया हमेशा कि जब तक ये शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं मिला, जब तक खुद को नहीं पहचाना, जब तक ये अहंकार जीरो नहीं हुआ, तब तक तू चाहे कुछ भी करता है वो कुछ भी मतलब वो जीरो के बराबर है। बराबर करेक्ट। केशवानंद जी हाँ जी एक एक बात बताऊं? हाँ हाँ बहुत जरूरी। मुझे मुझे याद आया अभी दादा भगवान को एक भाई साहब बहुत बार बार पूछ रहे थे कि दादा आपने क्या किया था कि ये ज्ञान प्रकट हुआ, आप बताओ ना आप बताओ ना। दादा ने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो छोड़ो वो बात, नहीं 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 आप बताओ ना। फिर उन्होंने क्या बताया बताया, मैंने बैठे बैठे नींबू काटे थे ये बात आती है कि कोई क्रिया से हूं अहंकार जाएगा नहीं, यानी आपकी प्रकृति में आपने तप किया जप किया साधुपन भी किया और ऐसा बोलेंगे किसी को कि ऐसा करेंगे तो आपको ज्ञान प्रकट होगा, तो बोले वो नहीं है, इसीलिए बोला मानो जीरो चौकड़ी मारो, जीरो करीने चौकड़ी करो, क्रिया से आत्मज्ञान नहीं है यानी अहंकार जाएगा नहीं, ये मूल बात है। अरे वो तो बहुत अच्छा था, सब लोग इतने हंसते थे, बोले बैठे बैठे नींबू काटे थे। दादा फिर कहते मैं क्या बताऊं,
वो बहुत जिद कर रहा था क्योंकि मैं अगर बताऊं कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया तो लोग ऐसा करने लग जाएंगे, जो रास्ता ही नहीं है, जो ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता ही नहीं है। मैं सीधा बताता हूँ कि ज्ञानी को ढूंढो, उनके पीछे चले जाओ तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे लोग, क्रिया देखते कि आपने क्या किया था कि ज्ञान खुला हुआ। ये बात सबको अचरज होता था दीपक आनंद जी, क्योंकि सबको अचरज होता था। और दादा ने फिर एक बार ऐसा भी बोला कि दादा आपको ये कैसे हुआ, तो दादा ने क्या बोला कि क्या कॉपी करने का है, ये कॉपी करने का फर्क नहीं। एग्जैक्टली एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये तो कृपा का फल है। वो दादा नहीं बोलते थे कि ये ऐसा प्राप्त नहीं होता है, ये तो ज्ञानी पुरुष की कृपा हुई है ना, जिसकी वजह से ये आपको ये विभाजन करके हाथ में संकेत मिला है, बाकी इट इज नॉट पॉसिबल। फिर चाहे कितने भी जप करो, तप करो, ध्यान करो, इसका कहीं भी आपको इलाज नहीं मिलेगा। आत्मा को प्राप्त करना कोई जैसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा का फल है जो आपको मिल गया है। अरे इसके बाद फिर एक ऐसा भी बताया क्या कि आप बोलते कि ज्ञानी के ज्ञान मिलता है, आपको तो ज्ञानी मिले नहीं, तो कैसे ज्ञान मिला बोलो। तो दादा भगवान ने बताया ये जन्म में मुझे नहीं मिले, लेकिन पहले जरूर से मिले थे, वरना ज्ञानी के बगैर ज्ञान नहीं है। बहुत स्पष्टता से बात की थी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, केशव आनंद जी, जय सच्चिदानंद। केयूरी बहन छो तुम्हें अरुदे केयूरी बहन ओके ओके केयूरी बहन जय सच्चिदानंद रत्नी दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद, बोलो सच्चिदानंद केशव आनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मुझे ये पूछना था कि जो भोगवटा होता है ना हमारा, तो वो ज्ञान की बुक्स में कि कंटाल के एक भोगवटा आता है, एक राजी खुशी से आता है और एक मूर्छा पूर्वक होता है, तो वो तीन आप समझाओ ना अलग अलग। ये कहाँ पढ़ा आपने वो तो पहले बताओ। वो मैं प्रश्न निकाला है पढ़ के ना, तो हमेशा थोड़ा रेफरेंस होता है ना तो अच्छा रहता है, किसी को भी ढूंढना है आगे पीछे की। ठीक है अभी तो बात अलग है। हाँ हाँ मैं लिख लूंगी पेज नंबर और वो। तो पहला पहला कौन सा भोगवटा है? कंटाल के जो भोगवटा आता है ना कर। हाँ हाँ एक कंटाल के भोगवटा आता है, यानी जो भी भोगवटा आए तो उस समय इतना कंटाला हो कि भाई ये कौन सा भोगवटा है, मैंने ऐसा क्या किया होगा कि ऐसा भोगवटा आया है, को जो सहन भी नहीं होता हो, कंटाला आता हो, ऐसे भोगवटे होते हैं, ऐसे भोगवटे होते हैं। पर उस समय वो ज्ञान की जागृति होगी है ना, तो उस ज्ञान की जागृति से वो कंटाला नहीं आता है। वो जब भोगवटा आता है तो उसको खुशी मिलती है कि अरे आज ये केरी बेन को जो भोगवटा आया है वो बरोबर आया है, उसने ऐसा जरूर किया होगा, तो उसका फल उस स्वरूप उसको मिला है, तो अभी उसको भोगवटा को फाइल समझ के उसका संभाव से निकाल करो और एक्सेप्ट करो, तो उसके ऐसा ऐसा दृष्टि रखने से वो कंटाला नहीं आता है। हाँ हाँ फिर हाँ। दूसरा कौन सा है? दूसरा राजी खुशी से भोगवटा। तो एक्चुअली मेरा ये प्रश्न था कि कंटाला वाला जो है ना वो पता चल जाता है, मतलब जो द्वेष वाला या जो नहीं मतलब पसंद आता है ना वो तो पता चलता है कि ये भोगवटा है, लेकिन राजी खुशी वाला भोगवटा जो है ना वो नहीं मतलब भोगवटा नहीं लगता, एक्सेप्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता। तो राजी उसको भोगवटा क्यों बोलेंगे? नहीं बोलते ही नहीं है ना। तो राजी खुशी वाला होगा तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ये जो भोगवटा आया है वो राजी खुशी से उसको इतना अच्छी तरह से वेलकम करता है। वेलकम वेलकम करता है कि ये भोगवटा है पर इसमें से मेरी प्रगति हो रही है, मेरा आत्मा की तरफ और डेवलपमेंट हो रहा है और मेरे को दिखाई देता है ये किसका भोगवटा है, तो राजी खुशी दादा बोलते थे कि भाई अभी भी और भी आओ, जितने भी आने के आओ, ताकि वो उनको छुट्टा करके देख के उसका भोगवटे को निर्मूल करते थे और उसको इस तरह से छुट्टापना की जागृति में उसको निर्मूल हो जाता था और भोगवटा जैसा लगता नहीं था। हाँ क्योंकि आपने राजी खुशी आपको पता चला कि वेलकम करते हैं
कि हाँ ये बहुत जरूरी था, आपने जरूर ऐसा लास्ट बर्थ में ऐसा बरोबर दिया है, तो अभी वो वापस आया है, रिटर्न विद थैंक्स आया है, उसको एक्सेप्ट करो। और किसको भोगवटा आया है वो ऐसी जागृति रहती है तो उसको बहुत राजी खुशी उसको वेलकम करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं, जैसे दादा भगवान वेलकम करते थे कि हाँ ऐसा भोगवटा, वो दादा वेलकम करते। तो उससे क्या है, जागृति बहुत बढ़ती है, प्रगति होती है पूरी, ज्ञान की तरफ, केवल ज्ञान की तरफ आगे स्टेप्स चढ़ता है, राजी खुशी। हाँ। सहन नहीं हो, बिल्कुल सहन बर्दाश्त नहीं हो ऐसा, और उसको आप वेलकम करो और राजी खुशी उस भोगवटे को संभाव से सहन करके निकाल कर डालो, तो वो बहुत बड़ी प्रगति करता है, वो जागृति बहुत बड़ी चीज है। हाँ। उसके बाद तीसरा कौन सा? वो तीसरा वाला है ना, उसमें ऐसा है कि मूर्छा पूर्वक भोगवटा भोगवते है ना। हाँ, मूर्छा पूर्वक का होता है। हाँ, वो मूर्छा मतलब उसको पता भी नहीं चले, मूर्छा मतलब उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो, मोह की पट्टी हो, सब की पट्टी हो, और वो मूर्छा के अंदर ही भोगवटा पूरा हो जाए उसका। हाँ। तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मूर्छा की तरह वो उसका भोगवटा पता भी नहीं चले, जैसे तैसे करके सह के उसका दी एंड कर डाले, पर उससे उसको कोई प्रगति नहीं हो, उसको कोई लाभ नहीं मिले, वो मूर्छा पूर्वक अंधकार में उसको पता भी नहीं चले कि कौन सा भोगड़ा है, वो ऐसा भोगवटा होता है कि अगले जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया होगा, वैसा हुआ है, ऐसा करके बात को पूरा कर डाले। हाँ, तो मतलब वो क्लियर नहीं होता है। हाँ, उसका कोई 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 उसको संतुलन नहीं, कुछ मेल मिलाप ही नहीं है। हाँ, वो जो मिलाप नहीं होता है, संतुलन नहीं होता है, वो जो है वो मूर्छा पूर्वक का होता है। मूर्छा पूर्वक का होता है। हाँ। तो जो 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 दिन में हमारे चाहे ऐसे 10 या 15 बार ऐसे भोगवटा अलग अलग आया। हाँ। 10 बार तो उसमें ये दोनों वाला जो नहीं होता है, कंटाले या राजी खुशी। हाँ। के वगैरह, तो वो सब जो हमें हम जिसको अलग नहीं करते वो सभी मूर्छा पूर्वक के ही मूर्छा में। हाँ, कुछ पता ही नहीं, खाने का, सोने का, नहाने का, वो सब मूर्छा में ही जाता है। मतलब आपने उस समय पृथक्करण किया नहीं ना कि किसको। हाँ। उसको भोगवटा आया। हाँ। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा ही भोगवटा, जैसे नींद में ही कोई आदमी चला जाए, उसको पता भी नहीं चले, उसको मूर्छा पता भी नहीं चले। हाँ। और इसमें तो जागृति पूर्वक उसमें। हाँ। आप राजी खुशी से ऐसा भोगवटा आए उसको आप वेलकम करो और उसको पृथक्करण करके ये किसको भोगवटा आया, ये कौन। हाँ। भोग रहा है, किस कौन सा हिसाब है, पूरा विज्ञान की दृष्टि से उसका निकाल करते हो आप। हाँ। वो प्रगति वाला है, वो इम्पोर्टेंट भोगवटा है। हाँ। जी हाँ जी, उस सास की सेवा करने का है तो वो कैसा लगता है, और अपने बच्चे की सेवा करने हैं तो कैसा लगता है? हाँ, दोनों भोगवटा में फर्क है। हाँ? हाँ, वो तो बहुत बारी बारी भोगवटा है। मैं बोलो? हाँ, बोलो। वो तो क्या है कि बच्चे का भोगवटा है ना, तो वो तो इतने सालों तक ऐसे मेरा 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 करके हो रहा था, तो भी इसका जो वो क्या बोलते हैं गुणाकार होता है ना, बहुत सारा हो गया है गुणाकार। सास का जो होता है ना, वो एक संस्कार की वजह से नहीं बोलते हैं, लेकिन वो खटकता है और वो नहीं खटकता है, तो ये दोनों में तो नहीं, वो मगर वो दोनों में से कोई भी मैं ये कह सकती हूँ मूर्छा पूर्वक का तो नहीं होता है। नहीं, मूर्छा पूर्वक का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, दादा भगवान के दोनों बच्चे गुजर गए तो उनको भुगतान नहीं हुआ क्योंकि उनको मूर्छा नहीं थी, लेकिन अच्छा। किसी को अगर मूर्छा है तो उनको बहुत लगेगा। हाँ, सही है ना केशव आनंद जी? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। दादा भगवान को मूर्छा नहीं, उन्होंने उन्होंने मिठाई बांटी, लड्डू बांटे, पेड़े बांटे। हाँ। और जब बताया कि मेरा जो गेस्ट आए थे ना वो चले गए, तो बोले वो पहले पेड़े खा लो बोले, क्योंकि फिर आप खा नहीं पाएंगे ऐसा बताया था। और वो खाना खाने के बोले अब बताओ क्या हुआ, तो बोले ऐसा हो गया मेहमान आए थे वो गए, अरे आप भी कैसे आदमी है, ऐसे हमने पेड़े खा लिया, ये तो खा भी नहीं सकते हम। हाँ, ये बात। तो हमारा जो प्लानिंग वाला और वो सब होता है वो सब मूर्छा पूर्वक का ही होता है ना, आगे जो आता है वो मूर्छा पूर्वक का। तो कैसे आप बताए कि जिनको नहीं है उनको नहीं होता है, जिनको है उनको होता है। अच्छा। हाँ,
जागृति दादा को उसको पता नहीं चलेगा, जागृति होगी तो फिर एकदम उसको ख्याल आ जाएगा क्या है। हाँ, ख्याल आ जाता है ऑन द स्पॉट ख्याल आएगा। और ये ज्ञान मिलने के बाद तो बहुत जागृति रहती है बहुत, कि कहाँ पर हमारी मूर्छा है, कहाँ पर हमारा मोह चलता है, कहाँ पर हमारा आंख बंद कर डालते हैं, वो सब पता चल जाए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हमणा मैं दीपकानंद जी ने मोकल्यू छे आप तमारी नंबर 10 एमां आ पिक्चर मोकल्यू छे रिगार्डिंग द चित्त जहां जाय त्यां दर्द मटेज। ए आगळ थोड़ू कहे छे समझातुं नतुं मने, मटाडवा माटे चित्त ज्यां जाय त्यां मटेज। राइट साइड लेफ्ट साइड ओके यहां बाजू छे ऑन योर राइट साइड पेज नंबर 291 दिखा दिया नहीं पेज नंबर 291 ओके फाइन। એટલે મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે દાદા એવું કહે છે કે ચિત્ત જ્યાં મટાડવા માટે જ માટે જાય, એટલે જ્યાં જાય એ કે સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે બધી આ, એટલે આખું મારે વંચાયું નથી પણ મને આ સમજાવો ને જરા કે જ્યાં ચિત્ત જ્યાં ત્યાં સાયન્ટિફિકલી કેવી રીતના મટે। કેશવાનંદજી हाँ जी कई आगर पाचर कई सेंटेंस नहीं मैंने एक बार दादा भगवान के एक्सीडेंट हुआ था ना और हाँ तब जो दादा भगवान ने बताया था वो हाँ। मैं दोहरा सकता हूँ कि दादा भगवान ने कहा कि जब से लगा ना एक्सीडेंट हुआ और ये जहां जहां ये सब बोले, क्योंकि उनको पूछा गया दादा जी ये लोगों को तो ये सब डाक जाने को बहुत टाइम लगता है लेकिन आपके डाक तो 15 दिन में बहुत कुछ निकल गए, बोले ऐसे कैसे हो गया। तब दादा भगवान ने बताया कि जब से लगा है तो हमारा चित वहां जाता है और वो चित को हमने रोका नहीं, वो जहां जहां दर्द होता था तो वहां वो जाता था लेकिन हमने उसे अच्छी तरह से देखा और मेरे क्या बोलते हैं निरीक्षण से मुझे पता चला कि वो चीज जाता है ना तो वो उसको रिपेयर करता है। हाँ, सही बात, जहां जहां दर्द है वहां रिपेयर करता है, तो हमने उसको रिपेयर होने दिया, देखते ही गए और उसका ये परिणाम है। ये सत्संग उसी का है, आप समझे अभी, अभी वो दादा जी ख्याल आ गया कि वो दादाजी ने जैसे बोला कि हमारा उधर चित गया, अभी ये हकीकत में तो सब लोग जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ था ना तो हम भी उधर हाजिर थे, तो ये मिरेकल हुआ था। ये बहुत सही बात बताई थी दादा ने कि दादाजी का जो मुखारविंद था ना हम सबके लिए वो एक निधि ध्यान अहम बात थी, मेन मेन बात थी दादा की, वो निधि ध्यासन था। तो दादा ने जिस समय वो उधर चित जा रहा था तो रोका नहीं, वो रोज आईने के सामने आके हमसे पूछते थे कि ये सब स्किन देखो कैसे सफेद होने लगी है, तो वो दादा भी चाहते थे और चित को जाने भी दिया ताकि वो एकदम रिपेयर हो जाए और उधर रिपेयर होके हम सबका निधि ध्यासन एज इट इज रहे। तो चित की इतनी शक्ति है कि दादाजी जहां पर चित जाता था तो उधर जब से वो जख्म हुआ था तब से वो ऑटोमेटिक रिपेयर होने को शुरू हुआ। ये साइंटिफिकली था, ये दादा ने जब एक्सप्लेन किया तभी पता चला कि इट वॉज नॉट पॉसिबल कि इतना भारी एक्सीडेंट, पूरा चेहरा काला हो गया था और वो इतना ब्लैक हो गया था, वो विद इन 15 डेज वो न्यू स्किन तैयार हो गई और दादा धीरे 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 एज इट इज होने लगे जो ओरिजिनल पोजिशन था दादा। दादा शू कहता था उपयोग अपने हिंदी दादाजी क्या बताते थे कि जैसे ही हमारे को कुछ हो तो नॉर्मली बेसिकली ये तो ज्ञानी पुरुष की बहुत अलग बात है पर हम महात्माओं के लिए क्या है कि जैसे भी कुछ भी हमारा जाता है तो बार बार चित्त वहां पर जाए
तो फिर ऑन द स्पॉट दादाजी क्या बोलते थे कि भाई ये जब से कुछ भी बॉडी में होना शुरू हो गया ऑन द स्पॉट वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, वो बॉडी का एक सिस्टम है। तो ये किसको हुआ ऑन द स्पॉट? उल्टा वो जागृति रखनी चाहिए, चित्त वहां पर जाता है तो बार बार उधर वो जागृति रखी जाती है कि ये किसको हुआ है, मेरे को तो कभी हुआ ही नहीं है, मैं तो उससे छुट्टा हूं, मैं तो उससे अलग हूं, और जो कुछ हुआ इसको हुआ है वो तो ऑटोमेटिक रिपेयर होने वाला है। ऐसी जुदापना की जागृति रहनी चाहिए हमको, ऐसे दादाजी बोलते थे कि जैसे ही कुछ भी होता है, शरीर की कोई तकलीफ हो गई, शरीर में कुछ खराबी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसी क्षण से वो रिपेयर चालू हो जाता है। तबीयत बिगड़ती है उसी समय से वो सुधरना चालू हो जाता है, ये साइंटिफिक है। अच्छा, सो वो बिलीफ के साथ हमको समझना है, अपने आप में समझवानू के आ जय रही छे, इज रिपेयरिंग, इज जय रही छे, तो फिर उस समय हमको चित्त उधर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, वो रिपेयर होने का काम है। उल्टा उस समय अपना चित्त निकाल के अपने स्व में डालने का, आत्मा में डालने का है, पड़ोसी को बोलने का है कि ये सब अच्छी तरह से रिपेयर हो जाएगा, आप इसकी तरफ चित्त और ध्यान मत डालिए, और इसका इसका ऑटोमेटिक ये रिपेयर की पोजिशन में चालू हो चुका है। इतना जुदापना की जागृति में दादा ने हमको सिखाया है, जब से भी वो एक्सीडेंट हुआ उसी दिन से ही वो रिपेयर चालू हो गया, उसी दिन से ही वो जुड़ना शुरू हो गया। विद इन 3 to 4 months वो फिर से पैर दादा का ज्वाइंट हो गया, बात पूरी हो गई। पर उस समय उधर दादा उपयोग हमेशा सेपरेशन का रखते, पर ज्ञानी पुरुष के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए अलग था क्योंकि वो जगत के कल्याण का निमित्त थे। तो उधर वो तो दादा भगवान बोलते थे तो सामने से देवी देवताओं भी आके हाजिर होके उनका सब रिपेयर करते थे, क्योंकि वो दादा का बहुत बड़ा मिशन था जगत कल्याण का। इसके लिए हम दिन रात दादाजी के लिए प्रार्थना करते थे, दादाजी के लिए कि दादाजी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, देवी देवताओं को पुकारते थे। पर हमको ज्ञान की दृष्टि से ये सेपरेशन सिखाया हुआ है, दादाजी ने समझाया हुआ है और बहुत ही साइंटिफिकली समझाया है कि भाई जब से ये बिगड़ता है तब से रिपेयर होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको उधर उपयोग देने की जरूरत नहीं है, छूटापणा की जागृति। हाँ, एक मिनिट थोड़ूक वांचू एमा, जस्ट एटले एवुं केव छे दादाजी, एटले दादाश्री कहे छे के मटाडवा माटे जाए, ए प्रश्न कहे छे के एटले साइंटिफिक प्रोसेस थई जाए, तो दादा के साइंटिफिक प्रोसेस छे बधी, आ आपणा लोक पाछा बीजा धंधा मां चित पोरवे एटले पछी पेलू त्यां मटवानुं बंध थई जाए। जो तमारे मटाडवू होय तो चित्तने त्यां रहेवा दो, ए जग्याए बीजे बधे बंध करीने चित्तने एक ज जग्याए रहेवा दो। एटले ए मने थोडुं नतुं समजातुं कि ए ज जग्याए तमे चित्त, लाइक तमने हाथ दुखतो होय के बहु दुखतुं होय तो तमे त्यां चित्तने मोकलो, एटले शुं के अहींया दुखे छे पण ए मारो स्वभाव नहीं, एटले ए पृथकरण करवानुं। ત્યાં આપણે સમજો આ હાથમાં દુખતું, હાથ મેં દુખતા હો, હાથ મેં દુખતા હો તો ચિત્ત કો ઉધર ડાલને કા, ચિત્ત કો ઉધર ભેજને કા, કે ભઈ હાથ કો દુખતા હૈ કે આપકો દુખતા હૈ, ઓર ફિર ઉસ સમય વો જ્ઞાન કો જાગૃતિ લાને કા કે ભઈ યે જબ હાથ ટૂટા હૈ યા દુખતા હૈ તો યો ઉસકો રિપેર હોને કે લિયે ઓટોમેટિક ઉસકા હોને કા હૈ, ઉસકા ઇલાજ હોને કા હૈ, સાયન્ટિફિકલી હોતા હી હૈ, जब से बिगड़ता है होता है। और आप इससे छुट्टा हो, आप इससे अलग हो, जिसको हो रहा है वो अलग है, वो स्थूल भाग है, तो ऐसा चित्र जब उधर डालते हैं तो ऑटोमेटिक रिपेयर होना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही आप बोला कि मुझे हुआ है तो फिर वो बिगड़ता है और बिगड़ता है और दुखता है, ऐसा साइंटिफिकली उसमें रहस्य है चित्र डालने का। चित्त कैसे डालने का कि भाई किसको हुआ है, किसको दुखता है, इसको दुखता है तो ये तो अलग है, वो पड़ोसी है, वो भाग है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा चित्त को उधर जब हम डालते हैं वहां से साइंटिफिकली उसकी रिपेयर की क्रिया शुरू हो जाती है, इसको दादा साइंस बोलते हैं। तो ऐसी इसी तरह से चित्त को उधर भेजने का, भाई मेरा हाथ को नहीं दुखता है, मेरे हाथ को दुखता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरे को तो कभी दुखा ही नहीं है,
ऐसा चित्त की हाजिरी करने का और ऐसा साइंटिफिकली उधर उपयोग डाला तो वहां से वो रिपेयर शुरू हो जाता है। सो ये मेरा मेरे से दूर है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे को कभी नहीं वही बोलना, वही ध्यान में रखना और वहां इस तरह का फोकस करना, ध्यान रखना। बराबर कृति बहन, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुंचन भाई, जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद। तमे तो दादा भगवान साथे बहु रहया छो, तमने बहु अनुभव छे दादा भगवान नो। तो दादा ना एक पद मा एवू आवे छे के अमारी मौन कड़काई, ए विषे थोड़ो समझाओ। मने पद याद नथी पण मौन कड़काई, दीपक आनंद ने खबर हशे कदा, दीपक आनंद जी ने। मौन कड़काई तो बहुत बड़ा शब्द है दादाजी का। मौन ये नहीं क्या कि दादाजी ऐसे रूम में बैठे हैं और उनके सामने अगर कुछ भूल हो जाती है या हम कभी कोई भूल करके आए हैं या दादाजी को वो पता भी चल गया कि ये बहुत बड़ी भूल करके आया है तो दादाजी सामने से कभी उनका जिक्र नहीं करते थे कि तुम ऐसा करके आए हो। पर दादाजी की जो मौन था, वो मौन था, वो इतनी सबसे बड़ी कड़काई थी कि हम वो कुछ दोष किया हो या भूल की हो तो हम दादाजी के सामने सरेंडर हो जाते थे, पैरों पे गिर के माफी मांग लेते थे और प्रतिक्रमण लिख डालते थे। क्यों? उन्होंने कुछ बोला भी नहीं पर उनकी जो मौन था वो इतनी बड़ी कड़काई थी कि उसके सामने किसी की भी भूले नहीं आगे आ सके, कोई भी भूल वो दादाजी की हाजिरी में कर नहीं सके। अगर भूल की हुई है तो उनको ऑन द स्पॉट ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि वो दादाजी को सरेंडर होके माफी मांग के प्रतिक्रमण करके उस भूल में से वो बाहर निकल जाते थे। ऐसी मौन कड़काई थी उनकी, कभी बोलते नहीं थे पर वो मौन रहते थे तो मौन रहे तो इतनी बड़ी कड़काई लगती थी कि हमसे सहन नहीं होता था। अगर हमने कोई भूल की हो तो फिर तो बात खलास हो गई। दादा तो कितनी बार ऐसा भी करते थे कि जब भी कोई भूल करके आया हो और दादा को पता भी चल गया हो कि ऐसी भूल करके आई है तो दादाजी उनके साथ कभी एक दो दिन, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा कि ऐसे भी बनाव बनते थे कि हमसे भूल हो जाती थी तो दादा हमारी तरफ देखना भी देखते भी नहीं थे। कभी ऐसे उन्होंने नहीं देखा तो हमसे चैन नहीं होता था, चैन नहीं पाते थे, हमको रात को नींद नहीं आती थी कि दादाजी हमेशा जय सच्चिदानंद करते थे, हमसे इतना हंस के बात करते थे, आज दादाजी हमारे से बात भी नहीं कर रहे और हमारे तरफ देख भी नहीं रहे, कभी विधि के लिए भी नहीं बुला रहे। वो दादा की कड़काई थी ताकि हम कान पकड़े कि ऐसी भूल फिर से नहीं हो। ऐसी दादाजी की मौन कड़काई, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ऐसा बार बार आके सबको बोले कि भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया तो वो ऊंधा उसका रिएक्शन हो, कभी झूठ भी बोल डाले, कभी उनके सामने जिक्र भी नहीं करे और वो अगर भूल होती हो तो और भूल को बढ़ावा हो जावे, उसको प्रोटेक्शन करे, नहीं दादाजी मैंने तो ऐसा नहीं किया। पर दादाजी एक शब्द नहीं बोलते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे, पर हद से ज्यादा आगे बात बिगड़ जाए और सामने वाले को पता भी नहीं चले कि मैं भूल कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं, तब दादाजी फिर बम फोड़ते थे, फिर दादा छोड़ते भी नहीं थे। ऐसा नहीं थे कि कितनी बार जो दादा बोलते ना कि भाई किसी इंसान को इशारा ही बहुत काफी होता है, तो दादाजी का कितने लोग इतने सेंसिटिव होते थे कि दादाजी का इशारा ही समझ जाते थे कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर कितने को पता भी नहीं चलता था कि हमारे से ऐसी गलती हो गई, तो उस दिन दादा फिर बम फोड़ते थे। हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमारे सामने ये कितने सारे महात्माओं के साथ, हम आप तो पुत्रों के साथ ये दो सेंटेंस का हमेशा ये ऐसा होता ही रहता था पूरी दादाजी के हाजिरी में। जब हमारी पूरी
ट्रेनिंग चलती थी, जैसे हमारे पूरी एक एक दिन की दादाजी के सामने वो हमारा घड़तर होता था, तो ये जो चार वाक्य है वो हमारे लिए बहुत लागू थे, हमारे महात्माओं के लिए, कि सहनशीलता की मूल खूबी हमारी मौन करका है। ये दादाजी की बहुत बड़ी खूबी थी, ऐसी खूबी तो हमने कभी देखी नहीं। नॉर्मली क्या होता है, कभी भी इंसान से भूल होती है तो सामने से बोल देते, तुम्हारे में ये खामी है, तुमने आज ये गलत काम किया, इस तरह से बात करना चाहिए, ऐसे आपका व्यवहार है, ऐसा तुमने गलत किया। तो ये सहनशीलता की बहुत बड़ी खूबी थी। दादा को पता चलता था कि ये गलत कर रहा है, पर वो मौन रहते थे। फिर ये तो एक प्रोसेस था, वड़ी ने मई रहे वितराग, फिर कितनी कितनी बातों में, कितने संजोग में दादाजी को गुस्से होना पड़ता था, बम फोड़ना पड़ता था बहुत, और ऐसी हालत हो जाती थी कि हम सहन नहीं कर पाते थे। कितनी बार तो हम भाग जाते थे कि अभी मुझे इधर रहना ही नहीं है। सहनशीलता मूड़ को भी मारी मोहन करता है। वड़ी ने मई रहे वितराग जो कलमू न ठहराए, और जिस समय वो हमारे से गुस्से हो जाते थे, कभी कभी हमारे पे फायरिंग करते थे, बम्बार्डिंग करते थे ताकि इनका रोग निकल जाए, उसके बाद जब वो रोग निकल जाता था तो उनके ऊपर कोई कलम नहीं डालते थे कि आपने ये ऐसा किया इसके लिए ये सजा है, कल से तुम हमारे सत्संग में मत आना, कल से तुम ऐसा मत करना, कोई भी कलम नहीं दादा लगाते थे। इतना सब लड़ने के बावजूद भी दादा किसी के ऊपर कलम नहीं लगाते थे, और फिर से वापस वैसे ही नॉर्मल और वैसे ही ज्ञानी पुरुष की तरह और साक्षात परमात्मा की तरह हमारा व्यवहार शुरू हो जाता था। मतलब हमारा दादाजी मोहन करकाई से रोग भी निकालते थे और उनका गुस्सा करके फिर उनके साथ वितराग भी रहते थे, और उनके ऊपर कोई कलम भी नहीं डालते थे कि तुमने ऐसा गुनाह किया और ऐसी सजा मिलेगी। फिर वो नॉर्मल वापस होके उनका रोग निकाल के फिर ऐसे जैसे पहले जैसे दादा थे वैसे ही हो जाते थे। पर उनमें एक काम अच्छा होता था कि हमारी सब जो वीकनेस है, हमारी जो मिस्टेक्स है, वो सब निकल जाती थी। ठीक है नलिनी बहन। हाँ एक मिनट केशवानंद जी। हाँ जी। जरे दादा भगवान हाजर था त्यारे दादा भगवान ने जारे एम के एमना सत्संग में जाइए तो वक्त घरे थी घणु बधु विचार्यू हो के दादा भगवान ने आटलू पूछवानू छे एम। हां पण त्यां जाइए ने एटले पछी कछु बोलाय ज नहीं। दादा ने जोई ने कई ज बोलाय नहीं, एकदम हिम्मत ना थाय बोलवानी एम। बरोबर एवो अनुभव छे। ये हकीकत छे, ऐसा हकीकत है, और ऐसा कितने महात्माओं से भी होता था। वो आके बोलते थे, हमारी मदर से भी ऐसा होता था कि मैं आज दादाजी को जाके ऐसा ऐसा सब पूछूंगी, पर फिर जैसे ही दादा को देखते थे और दादाजी के मुखारविंद को देखते थे तो वो उनका परमात्मा का इतना बड़ा ऐश्वर्य था कि उसके सामने कोई भी क्वेश्चन फिर वापस आता नहीं था, वो सब फुल स्टॉप हो जाता था, अंदर से जो भी सवाल थे सब खलास हो जाते थे। क्योंकि दादाजी को देखने से अंदर में हर एक बात का समाधान हो जाता था। ऐसे दादा थे जिनको देखने से, जिनके मुक्त हास्य को देखते ही हमारे अंदर के जितने भी प्रश्न थे उनका सबका ऑटोमेटिक समाधान हो जाता था, इसलिए फिर आगे वो जबान के सामने एक प्रश्न नहीं उठता था। तो दादाजी ये क्या कहना चाहते थे कि कुछ भी पूछने जैसा नहीं है, खाली ज्ञानी पुरुष का दर्शन किया और वो साक्षात परमात्मा का दर्शन मिल गया जो आपको मोक्ष का सिक्का लगा के देता है और जो आपको मोक्ष में लेके जाने की खातरी देता है, उसके सामने अभी पूछने का रह क्या जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए दादाजी कितनी बार बोलते भी थे कि कुछ पूछने जैसा नहीं है, खाली ज्ञानी पुरुष को देखते रहने का आपका सब समाधान हो जाएगा। ठीक है जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद। अभी क्वेश्चन ये है, एक वीक पहले एक ऐसी घटना बनी, मैं लेक्चर ले रहा था तो एक लड़की कॉन्सेंट्रेट नहीं थी और उसका अलग से काम कर रही थी, थोड़ा मैंने नज़र तो लगाई और उसको हिंट भी दी, लेकिन वो अपनी मूड में थी तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया।
और एज अ स्टूडेंट ये चलता नहीं है, जब अब लेक्चर लेते तो उसका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, मैं जो कंटेंट देता हूँ उसमें, तो उस हिसाब से मैंने उसको गेट आउट कर दिया और थोड़ा रूड वर्ड्स, क्योंकि डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, इस हिसाब से बोल के उसके सामने कम्युनिकेशन किया, तो उसने भी मेरे सामने आवाज़ दी और सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे को ऐसा इंसल्ट क्लास के सामने नहीं कर सकते। तो मैंने भी उसको कहा कि जब तू ये पॉइंट लिख रही है, मैं ये पॉइंट चला रहा हूँ, तो मेरी इंसल्ट है, आप निकल जाओ, पहले निकल जाओ, मैं फिर मैं गलत होगा तो माफ़ी मांग लूँगा, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। तो ये निकल गई बच्ची, लेकिन जो सिंसियर बच्ची थी उन्हें में से एक बच्ची बोली कि सर वो लिख रही थी, आपने सही कहा, लेकिन ये अच्छी लड़की नहीं है, ये ऐसी ही है। मैंने अपना काम शुरू कर दिया और फिर लेक्चर पूरा हुआ तो मैं बाहर निकला और उसके समझाया सही तरह से, और मैंने समझाया कि मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर जो बना, जो लेक्चर पूरा हुआ, तो ये लड़की जो है उसने, जो इनोसेंट लड़की है, सिंसियर लड़की है, जिसने बताया था मेरे को कि सर ये लड़की लिख रही थी, तो उसको उसने गालियां दी और बड़ा वार्निंग दे दी, वो बहुत खराब लड़की थी, इसलिए उसने वार्निंग दे दी, मेरी इंटरफियर किया मेरी लाइफ में तो तू यहाँ नहीं पढ़ सकेगी। और ऐसा हुआ तो फिर रिसेस हुई तब मेरे को मिलने आई, वो रड़ रही थी, सिंसियर लड़की थी जिसने मुझे बताया था कि साहब वो लिख रही थी, आपको इंटरप्ट कर रही थी वो। तो मैंने उसको, वो सिंसियर लड़की थी, उसको आश्वासन दिया और जो लड़की फॉल्ट में थी उसको भी बुलाया। तो ये फॉल्ट में वाली लड़की थी वो बहुत, उसका गुस्सा बहुत और ज़बरदस्त था। मैंने दो तीन टीचर से राय ली तो उन्होंने भी बताया कि सर जाने दो, ये नहीं अच्छा होगा, ये सब कैरेक्टर लेस है और आपका काम नहीं होगा ऐसा। तो मैं अलग रूम में ले गया, दादाजी का ज्ञान उनको दिया कि एडजस्टमेंट एवरीवेयर, आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन दादाजी का एक वाक्य है, आप सीख लो, सभी जगह पे एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। इस बारे से बात करते करते दोनों को माफी मंगवाई, पर लेकिन मैंने को डंक ये है कि जो सिंसियर लड़की थी, ऑनेस्ट लड़की थी, उसने क्लास में डेरिंग करके मुझे सही बताया, तो उसको मेरे को डांटना पड़ा कि तू बंद हो जा, ये अभी ये सही उकेल नहीं है कि उसके सामने तू टिक सकेगी नहीं, तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे वैसे करके मैंने सब निपटाया, लेकिन मेरे में डंक ये है कि जो लड़की डॉन जैसी है, जो लड़की का ये गैंग है, वो लड़की, ये सिंसियर और ऑनेस्ट लड़की, जो रिस्पेक्ट है सभी टीचर्स के सामने, उसके साथ मैंने ये कहीं क्या अन्याय करके उसको दबाने की बात कर दी और उसको छोड़ दिया कि चल जाने दो, माफ़ी मांगो, ये एडजस्टमेंट ले लो, यही सही है। दूसरे दिन उसके फादर भी मेरे को मिलने आए कि सर आप बोलो तो, मैं भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो उनको भी मैंने समझाया कि कोई करने की, कुछ करने की बात नहीं है, सब अच्छा हो गया, आपकी बच्ची सही है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, मुझे भी उसके तरफ रिस्पेक्ट है, लेकिन छोड़ो, ये ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन डंक ये है कि जो लड़की रूड है, कैरेक्टर लेस है, उसको मैं कुछ नहीं कह सका, जो मेरा एज अ टीचर का रोल होना चाहिए कि उसको मुझे दबाना चाहिए कि नहीं ये नहीं गलत है, लेकिन मेरी उसकी जो रूडनेस है उसको, वो सिंसियर लड़की को गलत कर सकती है महीने के बाद, 15 दिन के बाद, उस हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन वो डंक मेरे को है कि नहीं, मैंने ये सिंसियर लड़की को दबा दिया और उसको माफी मांगने को मजबूर किया, तो ये मेरे को डंक रहता है, उसके बारे में आप थोड़ा उकेल दीजिए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये डंक बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने उसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने का मैसेज दिया और उसको और समझाया। अगर आप उसको नहीं समझाते तो केस और बिगड़ता, वो सही है, और उसके साथ झगड़ा बढ़ता और बहुत बड़ा फियास्को हो जाता और बात बिगड़ जाती। पर आपने जो कदम उठाया, उसको समझाया कि भाई इधर एडजस्ट करना चाहिए, ये समझो वो लड़की है, वो उसका स्वभाव इतना खराब है कि वो उसको उसके झगड़े में पड़ेंगे तो और केस बिगड़ जाएगा, तो आपने तो अपना धर्म निभाया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है
कि वो जो क्लास में कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स हो बिगड़ जाएगा, सही और ऐसे स्टूडेंट्स हो तो उनको सुधारने का बहुत बड़ा जिम्मा सर पे नहीं लेने का, क्योंकि आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, वो अपना कैरेक्टर अपना स्वभाव अपने साथ लेके आए हैं। अच्छा। और राधा भगवान ये बहुत अच्छी चीज बताई कि महावीर स्वामी ने भी किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की, और हम जो ज्ञानी पुरुष होके इधर आए हैं हमने भी कभी किसी को सुधारने का दावा नहीं किया है, क्योंकि कोई इंसान किसी को सुधार ही नहीं सकता है। तो ये पहले लक्ष्य में रखने का, क्योंकि जिस दिन आप सुधारने की कोशिश करने जाओगे तो वो उल्टा केस बिगड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है किसी को सुधारने की। सही बात है। तो हमारा फर्ज कितना है कि एक बार उस लड़की को या लड़के को अलर्ट करके कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, प्लीज इस तरह से मत करो, आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हो, ऐसा उसको सावचेत करके छोड़ देने का। क्योंकि वो हर एक इंसान खुद स्वतंत्र है और अपना पूरा हिसाब भर के लेके आया है, अगर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो उसका झगड़ा भी हो जाएगा, और आजकल ऐसा काल ऐसा चक्र ऐसा जो समय है वो ऐसा समय नहीं है पहले जैसा कि जब हमारे गुरु और टीचर्स होते थे तो हम उनको मानते थे सम्मान देते थे उनका विनय करते थे, ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं है, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, यही दिखा मुझे इस प्रसंग में। हाँ, अभी काल अपना काम कर रहा है, पर ऐसे काल के अंदर जिनको ज्ञान मिला हुआ है, जिनको ज्ञान की समझ है, उनके लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है, उनके लिए ये सबसे बड़ी जवाबदारी है कि हम ऐसा कोई भी बिहेव नहीं करें ताकि सामने वाला आपके साथ वेर बांध डाले। अगर वो लड़की को अगर आप ज्यादा बोलोगे और उसको गेट आउट करके बाहर निकाल दोगे तो आपके सामने कोई जबरदस्त कुछ भी स्टेप ले सकती है। हाँ, हाँ, ले सकती है, हाँ, डेफिनेटली कुछ भी कर सकती है कि सर ने मेरे से मिसबिहेव किया, ऐसा किया। तो आजकल ऐसा टाइम ही नहीं है कि किसी को सुधारने का कोशिश करने का, अपना फर्ज समझ के, जो मेरा टीचर का फर्ज है वो समझ के उसको इतना ही इतला करने का, और ऐसे ही नाटकीय भाव में उसको समझाने का, ऐसा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको इतना पढ़ाता हूं और आप फिर भी ध्यान नहीं देते हो, ऐसा नहीं करते, यू गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, वो क्या है, हम इमोशनल हो गए। सही बात है, वो इमोशनल नहीं होने का है। अगर आप कोई भी दादाजी एक सिंपल बात बोलते थे कि कार अगर मोशन में चलती है तब तक सही है, पर इमोशनल हो जाए तो क्या होगा, तो बोला एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कार इमोशनल हो गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको एक्सीडेंट बोला जाता है। अगर आप मोशन में क्या होगा, मोशन में आप उसको बोल सकते हो कि बेटा ऐसा अच्छा नहीं है, आपका करियर खराब हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़ो, मेरा तो फर्ज है आपको एक बार इतला करना, अभी आपकी मर्जी है, आप भले क्लास में अगर आपका मन नहीं लगता है तो भले आप बाहर जा सकते हो, पर अगर आपके बिहेवियर से दूसरे लड़कों को सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो प्लीज यू गो आउट फ्रॉम द क्लास। पर उनके सामने गुस्सा होके और बहुत अपने मन को इमोशनल नहीं हो जाने का, इमोशनल होने से सब बात बिगड़ेगी। अभी आपका कितना टाइम चला गया, उनके पेरेंट्स आ गए, वो क्लास में से बाहर निकले, फिर आपको फिर से रूम में बुला के उसको समझाना पड़ा, पूरा डिस्टर्ब हो गया। सही बात, पूरा डिस्टर्ब हो गया, आप अपने ज्ञान में से बाहर चले गए। नहीं, ज्ञान था तो भी तो पूरा समाधान लिखा, लेकिन दंग मेरे को ये हुआ कि जो सिंसियर लड़की थी, ऑनेस्ट लड़की थी, पूरा समय मेरे साथ वो मेरा लेक्चर अटेंडेंस भरती थी, उसको मैंने दबा दिया, और वो क्रूड लड़की थी जो कैरेक्टरलेस लड़की है, सभी का ओपिनियन ये है, उसको मैं बोल नहीं सका, मेरे का ये डंक रखता है कि उसको क्या है, उसको डंक में नहीं रखने का, उसको समझने का कि दिस वाज टू हैपन, वो हैपन हो गया, इसमें से अपने को तारण निकालने का कि नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम किस तरह से मुझे मोशन में रहना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मेरे को कैसा काम करना चाहिए ताकि इतना मेरा टाइम सेव हो जावे, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे डंक ना हो कि उस लड़की को मैंने दबा दिया कि तुम एडजस्ट कर लो, ये कर लो, बराबर है। इतना इतना बड़ा फ्यास तो आगे बढ़ने ही नहीं देने का, उसको विचारशील बोला जाता है कि कोई भी कषाय होने के पहले उसका समाधान हो जावे, दैट इज हमारा नेचर है, दैट इज हमारी साइंस है, वही हमारा ज्ञान का प्रताप है। सही बात, सही बात, ठीक है, सही है भाई, बढ़िया बढ़िया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, विशाली बहन, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। मारे थोड़ा खाली क्लेरिफिकेशन जो इतु इतु केशवानंद जी के फाइल नंबर वन ने जोवा ने जानवानी, तो ये तो जोवा ही छे के फाइल नंबर वन ने जोव ने जानू छु, पण એ જોવાને જાણવામાં પેલું સારા ખરાબનો ખોટા સાચાનો આગ્રહ નથી જતો, જો એનાલાઇઝિંગ ચાલુ છે
के वैशाली आऊं ना करवो जो आम करवो जो तो इस सहजता थी ये जो स्वीकारातु नथी तो एनु कारण ही के जो छुट्टू नथी पड़ी ने जोवातु नहीं आ आनु छुट्टू तो पड़ी गयो छे पर हजु आपणे हां छुट्टा तो हो गया है पर प्रॉब्लम कहां पर है अभी भी हम उसका फेवर कर रहे हैं फाइल नंबर एक का फेवर कर रहे जिस दिन से ये फाइल का फेवर करना बंद हो गया तो आपको वो अलग हो दिखाई देगा और आप उसके साथ निष्पक्षपाती होके उसका हर एक बात का पृथक्करण करके उसको समझा सकेंगे ये गलत है अभी अभी भी तुमको ये इसका साइड ले रहे हो अभी भी इसका तुम उपराण ले ले उपराण यानी मतलब उसका प्रोटेक्शन कर रहे हो जिस दिन से ये प्रोटेक्शन चला गया और उसका रक्षण आपने करना बंद कर दिया उस समय से आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लीन दिखाई देगी और आपको हर एक बात का उधर समाधान दिखाई देगा તે એનું પ્રોટેક્શન ઓછું થાય કેવી રીતે કરવાનું કે પ્રકૃતિનું પ્રોટેક્શન છૂટી જાય હા છૂટી જાય યાની આપ ઉસકો ક્યા કરને કા કે ભાઈ ઉસકો સમજાને કા જાગૃતિ દેને કા કે દેખો તુમને ઇસકા પ્રોટેક્શન લિયા તો આપને જ્ઞાન મે સે બહાર નિકલ ગયે આપકો છૂટા અપનાન કી જાગૃતિ સબ ખલાસ હો ગઈ આપને ઉસકા પ્રોટેક્શન કિયા તો વો પ્રોટેક્શન કરને સે જો આપકી ભૂલ થી જો નિકલને વાલી થી વો ઓર 5 સાલ કે લિયે એક્સટેન્ડ હો ગઈ आपको भूल का उसका उपराणु लिया तो वो आपका घर कभी खाली नहीं करेगी तो ऐसी जागृति रखने का कि आपको इसको अभी अपने घर में जगह देनी है या घर में से बाहर निकालना है क्योंकि घर में से जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक वो आपके घर में और तगड़े होते जाएंगे और आपकी पूरी जागृति को मंद करते जाएंगे और अभी हम कौन सी स्टेज में है अभी हमको आगे बढ़ना है केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है तो जितनी भी हमारी ये वीकनेसेस है जिनका हम प्रोटेक्शन करते हैं तो वो हमारे लिए हमारे ज्ञान के लिए हमारे प्रोग्रेस के लिए हमारे मोक्ष मार्ग के लिए बाधक है हाँ हमको अभी इनमें से बाहर निकलना है क्योंकि ये जो मार्ग है क्षत्रियों का मार्ग है जो भी वीकनेस है उसको मार के काट के बाहर निकालनी है अगर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे घर में खाना वाना खा के मजबूत होते जाएंगे और हमारा घर खाली नहीं करेंगे બહુ સાચી વાત સમજણ પડી કે આગ્રહ જે છે ને કે વૈશાલી આ રીતે જ રહેવું જોઈએ ને આમ જ થવું જોઈએ એ ત્યારે જાગૃતિ રાખવાની છે કે આ મારે નથી કરવું ના હોય જે થઈ રહ્યું છે તે જ બરાબર છે બરાબર છે એ અમારે હાથ કી સત્તા હી નહીં હે અબ આપ આપકે હાથ મે ઇતના બડા સત્તા હે કે આપકે આપકે ધારણ મુજબ આપકે ધાર્ય મુજબ સબ હો ના ફિર જબ હમારે હાથ મે વો હે હી નહીં શક્તિ पूरी व्यस्त शक्ति अपने हिसाब से अच्छी तरह से काम कर रही है तो फिर हमारी जो जो उसका जो फोर्स है उस फोर्स को खलास कर देना चाहिए वो हमारे काम की नहीं है वो हमारी प्रगति में बहुत बड़ा प्रोटेक्शन की वजह से हमारी प्रगति पूरी रुक जाती है राइट એટલે કંટ્રોલ કરવાની પોસિબિલિટી છે જ નહીં તો પછી ટ્રાય કેમ કરવાનું છોડી મૂકવાનું એને જોવાનું उसको जानने का देखने का कि भाई ये उसकी प्रकृति है ये उसका स्वभाव है इस तरह से ये प्रोटेक्शन करती है फिर समझाने का कि बेटा ये क्या कर रही हो ये तुम्हारा इसमें से कुछ भी निवारण होने वाला नहीं है ये ज्ञान के विरुद्ध है हमारे को दादा ने क्या ज्ञान समझाया कैसी समझ दी है वो हम अगर को पूरा विज्ञान को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो हमको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे ये विज्ञान नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावप्पणासनो सव पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल संडे है और यहाँ पर कीर्तन भक्ति